बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल जो है उसको स्टडी करने वाले हैं, जो कि पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में बेसिकली एक डिवाइस का नाम है, और इस डिवाइस को बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलाकर हम ये डिवाइस बनाने के काबिल होते हैं। लेकिन इस डिवाइस के यूजेस बहुत कमाल के हैं। ये हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो है वो बता देती है, विदाउट ड्रॉ एनी करंट्स। कोई भी करंट ड्रॉ किए बग़ैर हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो पता चल जाता है। इसको हम डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, ताकि हमें ये उसी तरीके से याद भी रहे कि पहले इसका कौन सा पार्ट बनाया था, फिर कौन सा पार्ट बनाया था, और फाइनली ये फुल डिवाइस जो है तैयार हो जाएगी। तो आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पोटेंशियोमीटर इसको हम डिफाइन करते हैं, अ डिवाइस। वैसे तो ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसा ही है, लेकिन हम इसमें इसको डिवाइस का नाम दे देते हैं। अ डिवाइस डेट इज यूज्ड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विदाउट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सोर्स। मैं दो पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करता हूँ। पहला तो ये कि पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड करना, और दूसरा ये कि ये क्यों ज़रूरी है कि विदाउट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम सोर्स, कि करंट ड्रॉ किए बग़ैर ही क्यों करना है। अगर करंट ड्रॉ हो जाएगा तो क्या होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस का, आपको याद होगा उसमें कि अगर बैटरी के टर्मिनल्स में से करंट निकाल लिया जाए तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के टर्मिनल का, वो डाउन हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये सूरत है कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप पोटेंशियल का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, अगर उसमें से करंट ड्रॉ हो जाएगा तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एक्यूरेट नहीं आएगी। ये रीज़न है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो विदाउट ड्रॉ एनी करंट इसको पोटेंशियल का डिफरेंस को फाइंड करे। उसके लिए पोटेंशियोमीटर जो है वो सबसे बेस्ट है, ये हमारा दावा है। सवाल ये आता है कि क्या इससे पहले भी कोई डिवाइसेस मौजूद थी, तो इससे पहले भी दो डिवाइसेस जो हैं वो काम कर रही थी। एक का नाम था वोल्टमीटर और दूसरी थी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको CRO का नाम दिया जाता है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करते हैं। वोल्टमीटर के ऊपर पहले डिस्कशन कर लेते हैं। वोल्टमीटर एक अच्छी डिवाइस है, वोल्टेज की वैल्यू को मेजर कर देती है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम ये है कि अगर तो आइडियल वोल्टमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है, वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करती। लेकिन जो प्रैक्टिकल वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं होती, वो करंट ड्रॉ कर लेती है। जब वो करंट ड्रॉ कर लेगी तो इसका मतलब वोल्टमीटर हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे पाएगी। तो वोल्टमीटर के अंदर ये फॉल्ट है
कि प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लेस देन इन्फिनिटी होती है और ये करंट ड्रॉ कर लेती है, जिसकी वजह से हमें रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलती। वोल्ट मीटर मेजर्ड करंट बट मेजर वोल्टेज बट इट ड्रॉन करंट फ्रॉम सर्किट, देयरफॉर प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर हैव नॉट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी नहीं होती। अब ज़रा सी बात कर लेते हैं दूसरी डिवाइस जो CRO है। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक एडवांस डिवाइस है जो बहुत अच्छे तरीके से हमें रीडिंग प्रोवाइड करती है, बहुत एक्यूरेटली रीडिंग करती है प्रोवाइड, और ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करके देती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइस एक्सपेंसिव है और इसके यूज़ के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो हमारे नॉर्मल वर्कर्स होते हैं काम करने वाले जो टीवी रेडियो वगैरह सही करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस डिवाइस को यूज़ करना आसान नहीं है। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि ये हर कोई इस्तेमाल कर सके। हाँ, लैब की हद तक ये जो है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही होती है। तो हम CRO के बारे में कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कैन मेजर एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ड्रॉ एनी करंट बट इट इज मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए हम इसको नॉर्मल यूज़ नहीं कर पाते। अब दो डिवाइसेज हैं, एक सस्ती है, आसानी से यूज़ हो जाती है लेकिन करंट ड्रॉ कर लेती है, दूसरी एक्सपेंसिव है लेकिन रीडिंग सही देती है। हमें ऐसी डिवाइस चाहिए जो चीप हो, यानी सस्ती भी हो और हमें रीडिंग भी अच्छे तरीके से दे सके विदाउट ड्रॉ एनी करंट। तो ऐसी डिवाइस हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। तो हम कहते हैं कि वी यूज पोटेंशियोमीटर दैट इज चीप एंड इजी टू यूज। इट मेजर्ड वोल्टेज विदाउट ड्रॉ एनी करंट। कोई भी करंट ड्रॉ किए बगैर वोल्टेज की मेजरमेंट हमें दे रही होती है। इसको एक पार्ट को, इसके एक पार्ट को हम पहले पढ़ते हैं कि पोटेंशियोमीटर डिटेक्टिंग बनाएंगे, इसके एक पार्ट को पढ़ेंगे। वो पार्ट है कि हमने पहले पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो पढ़ना है, जिसको हम रियोस्टैट की मदद से बना रहे होंगे। तो ये एक पार्ट है इस डिवाइस का, वेरिएबल पोटेंशियल सर्किट। वेरिएबल पोटेंशियल सर्किट जो है ये हमें पोटेंशियोमीटर बनाने में मदद करेगा। ये सारे का सारा खुद तो पोटेंशियोमीटर नहीं है, लेकिन पोटेंशियोमीटर बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इस सर्किट के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें पहली बात तो ये बैटरी है एक,
इस बैटरी की EMF E है और इस बैटरी के साथ एक रियोस्टैट लगा। रियोस्टैट एक वेरिएबल रेजिस्टर, उसका ये कॉर्नर A है, ये कॉर्नर B है और यहाँ पे उसका वेरिएबल पॉइंट C लगा। हम अगर उसके ये वाले, ये सारा A पॉइंट है, A पॉइंट और C पॉइंट के दरमियान में वोल्ट मीटर लगा कर देखें तो C पॉइंट को वेरी करने से वोल्ट मीटर वेरिएबल वोल्टेज देगा और A और C के दरमियान में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होगी जिसे स्मॉल R का नाम दें और A और B के दरमियान में कैपिटल रेजिस्टेंस होगी जो कैपिटल R का नाम देंगे। रियोस्टैट वाले टॉपिक में हमने इसकी डिटेल्स पढ़ी हुई हैं कि अगर हम A को, C पॉइंट को A पर टच करेंगे तो R, स्मॉल R की वैल्यू ज़ीरो होगी, फिर C को दूर करते जाएंगे तो स्मॉल R की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब B पर टच करेंगे तो A से लेकर B तक जितनी रेजिस्टेंस होगी उतनी ही A से C तक होगी, मतलब उस वक्त कैपिटल R के बराबर रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो वेरिएबल वोल्टेज सर्किट इन पोटेंशियोमीटर रेजिस्टेंस चेंज फ्रॉम स्मॉल R इज इक्वल टू जीरो टू कैपिटल R, ये रेजिस्टेंस की चेंज है। और वोल्टेज की इक्वेशन मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, वोल्टेज की इक्वेशन इसकी हमने बनाई थी, वोल्टेज चेंजेस VAC इज इक्वल टू स्मॉल R ओवर कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय E आ जाएगा। ये आपको याद होगा वोल्टेज की वेरिएबल इक्वेशन थी, उस वक्त मैंने बताया था कि जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आप वोल्टेज लेना चाहते हैं उनके रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करें और टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दें। ये रियोस्टैट वाले टॉपिक में मैंने आपको याद करवाया था। अब मैंने A और C के दरमियान में वोल्टेज लेनी है तो स्मॉल R रेजिस्टेंस को कैपिटल R रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई और E के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैपिटल R से डिवाइड और E से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो A और C के दरमियान में वोल्टेज आ जाए। अब जीरो पुट करूंगा तो VAC की वैल्यू कम से कम VAC इज इक्वल टू जीरो होगा और जब कैपिटल R पुट कर दूंगा, RR से कैंसिल हो जाएगा तो E के बराबर आ जाए तो VAC इज इक्वल टू E। ये हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज जो है वो चेंज होगी जीरो से लेकर ई तक। अब ये पार्ट हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे अगले सर्किट में, ठीक है, यानी हमारा यूँ समझ लें इतना पोटेंशियोमीटर जो है वो रेडी हो गया। अब हमने पोटेंशियोमीटर का सर्किट जो है वो देखना है कि वो किस तरह का बनाया जाएगा, ये सर्किट अपने जहन में रख जी बेटे। तो अब हमने ये सर्किट जो है वो उसको सॉल्व करना है, तो ये मैंने बनाया था वेरिएबल वोल्टेज का सर्किट कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है और इसके हिसाब से वोल्टेज VAC वेरी होता है ज़ीरो से लेकर कैपिटल E तक। अब इसी सर्किट को चेंज करके हमने पोटेंशियोमीटर का सर्किट बनाना है, कैसे करेंगे, वोल्ट मीटर को हटा देंगे, ये सारी लाइन हटा देंगे, आपने ये सर्किट दोबारा बनाना है, मतलब एक दफ़ा पोटेंशियोमीटर के पहले पार्ट वोल्टेज वेरिएबल के लिए बनाना है और फिर उतना सर्किट दोबारा ड्रॉ करके पोटेंशियोमीटर के लिए चेंज करके बनाना, आपने दो दफ़ा ये सर्किट जो है वो ड्रॉ करना। अब इसमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, अब देखें बेटे ई का पॉजिटिव टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट है तो आप उसी की लाइन में आगे लेके आएं, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लगा दें, फिर नेगेटिव, और ये जो बैटरी होगी ये ई एक्स होगी जिसे आप अननोन वोल्टेज का नाम भी देंगे। उसके आगे आप लगा देंगे गलवानोमीटर और गलवानोमीटर आगे अटैच कर दें। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पहले सर्किट के अंदर कौन सा मीटर लगा हुआ है, दूसरे सर्किट में कौन सा मीटर लगा हुआ। इसको आसान याद करने का तरीका ये है कि आप ये समझ लें कि वोल्टेज वेरिएबल वाला सर्किट बनाना है तो उसमें वोल्ट मीटर लगेगा, पोटेंशियोमीटर वाला सर्किट बनाना है तो उसमें हमने करंट को सेंस करना है कि क्या ये करंट ड्रॉ करता है या नहीं करता, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें कौन सा सर्किट लगाना पड़ेगा, कौन सी डिवाइस लगानी पड़ेगी जो करंट को सेंस करती है, वो गलवानोमीटर होगी। क्योंकि हमारी डेफिनेशन का मकसद पूरा होना चाहिए, डेफिनेशन ये थी कि विदआउट ड्रॉ एनी करंट, तो हमने ये भी देखना है कि आया कि करंट ड्रॉ होती भी है या कि नहीं होती। अब ये देखें क्या होगा,
हम इस वेरिएबल वोल्टेज वाले पॉइंट को वेरी करेंगे। अब इसको वेरी करके हम क्या हासिल करेंगे, हम हासिल करेंगे कि इस गलवानोमीटर की इस साइड की वोल्टेज और इस साइड की वोल्टेज बराबर हो जाए। यह हमें कब अंदाज़ा होगा, हमें तब अंदाज़ा होगा जब गलवानोमीटर की सुई बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाए। वो कैसे होगी, वो आप वेरिएबल पॉइंट को वेरी करते जाओ, ये वाली वोल्टेज फिक्स है, इधर वाली चेंज होती जाएगी और ये चेंज होकर जब इसके बराबर आ जाएगी तो ये दोनों पोटेंशियल बराबर आ गए। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस गलवानोमीटर के अक्रॉस नहीं होगा तो गलवानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि पोटेंशियल और करंट का तो यही आपस में रिलेशन है। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, अगर गलवानोमीटर की दोनों साइड पे पोटेंशियल बराबर आ जाएगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अब हमारी वर्किंग क्या है कि वेरिएबल पॉइंट को उस वक्त तक वेरी करते रहो जब तक के दोनों साइड के पोटेंशियल बराबर ना आ जाएं और गलवानोमीटर ज़ीरो करंट को शो ना कर रहा हो। जब गलवानोमीटर ज़ीरो करंट को शो करे उस वक्त समझ जाइए कि आपके पास गलवानोमीटर की इस साइड का पोटेंशियल ई एक्स, वो गलवानोमीटर की दूसरी साइड का पोटेंशियल वी ए सी, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो उस वक्त वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर इंटू कैपिटल ई। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए आपको हमेशा एक अंदाज़ा लगाना होता है कि ई हमेशा ज़्यादा हो ई एक्स से, यानी नॉन वोल्टेज अननोन वोल्टेज से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी अगर आप समझ लें कि आप एक बैटरी सिंगल सेल वाली बैटरी को की वोल्टेज को चेक कर रहे हैं तो नॉन वैल्यू आपकी डबल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे आप दो बैटरीज फिर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आपके अंदाजे के मुताबिक ये बैटरी इससे ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए तब आपका जागे। अब दूसरा पॉइंट कि जब आप ई एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो कि इसके बराबर आ रही है, उस वक्त आप ये सेंस कर लें कि गलवानोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही, गलवानोमीटर ये इंडिकेट कर रही है कि ज़ीरो करंट ड्रॉ। अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि पोटेंशियोमीटर ने हमें अननोन वोल्टेज ई एक्स की वैल्यू फाइंड करके दे दी जो कि आर ओवर कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ई है, लेकिन उसने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया, विदाउट ड्रॉ एनी करंट। ये इसकी सबसे बड़ी लॉजिक है इसकी डेफिनेशन क्लियर होने की। अब अभी हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस कैसी होती है। पोटेंशियोमीटर बेटे एक लॉन्ग लेंथ डिवाइस है, उसके ऊपर पैमाना लगा हुआ है, पैमाने के ऊपर वायर लगाई जाती है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उस वायर के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे गलवानोमीटर ज़ीरो शो करे, उस वायर की लेंथ पैमाने से आपको पता चल जाती है कि 20 सेंटीमीटर पर जाके नल पॉइंट हासिल हुआ है, 30 पर या 50 पर हुआ है, तो वो आपकी स्मॉल एल लेंथ होती है। चूँकि आप रेजिस्टेंस को लेंथ की शक्ल में लिख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो अगर स्मॉल R होगी तो रो स्मॉल एल ओवर ए आ जाए। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करके देखें तो देन ई एक्स विल बी इक्वल टू रो स्मॉल एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो कैपिटल एल ओवर ए इंटू ई आ जाए। अब इसमें से कौन सी टर्म कट जाएगी, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, अब हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इंटू ई आ जाएगी, ये आ जाए। अब हम करते हैं इस तरह है कि 100 सेंटीमीटर का पैमाना लेके उसके साथ एक यूरिका वायर बांध लेते हैं, ठीक है। वो यूरिका वायर ए से लेकर बी तक होती है जिसकी रेजिस्टेंस आर होती है, उसकी लेंथ आपने चेक करनी है, उसकी लेंथ कैपिटल एल 100 सेंटीमीटर आ गई। फिर आप ए से रख कर बी की तरफ वेरिएबल पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पर नल पॉइंट हासिल हो जाए, फ़र्ज़ करें कि वो आपको हासिल हो गया 30 सेंटीमीटर पर, तो स्मॉल एल की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जो आपने वैल्यू वोल्टेज की अप्लाई की है, तो ये करने से आपको ई एक्स यानी अननोन वोल्टेज जो है उस सेल की फाइंड आउट हो जाती है इस तरीके से। फिर आप इसका दूसरा यूज़ भी देख सकते हैं, डेट इज़ कंपेयर द ई एम एफ ऑफ सोर्स। ऊपर वाले फार्मूले से एक चीज़ याद रखिए,
स्मॉल एल वो लेंथ है जिसके ऊपर नल पॉइंट हासिल हो रहा है। तो अगर नल पॉइंट हासिल होने के लिए लेंथ ज़्यादा कवर हो रही है तो समझ लें कि ईएमएफ ज़्यादा है, अगर नल पॉइंट जल्दी आ जाता है तो ईएमएफ कम है। मतलब अगर 20 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आ गया तो ईएमएफ कम है, अगर 70 पर आया तो ईएमएफ ऑफ द सेल ज़्यादा है। तो फिर हम कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करने के लिए फर्ज करेंगे मैंने ई वन लिया, उसके लिए मैं कहूँगा एल वन ओवर एल मल्टीप्लाइड बाई ई, ना तो ये चेंज होगा ना ये चेंज होगा। मतलब एक मेरी बैटरी, पहली बैटरी का नल पॉइंट L1 पर हासिल हो गया, दूसरी बैटरी का नल पॉइंट L2 पर हासिल होता है, तो उसका फार्मूला ये बन जाएगा। अगर इन दोनों फार्मूलों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये टर्म इसे कैंसिल, ये इसे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास कंपैरिजन का जो रिजल्ट आया वो आया E1 ओवर E2 दैट इज इक्वल टू L1 ओवर L2। ये कंपैरिजन के बाद हमारा रिजल्ट फाइनल हो गया। ये रिजल्ट हमें सिखाता है कि नल पॉइंट जितना देर से हमें हासिल होगा उतना ही उस बैटरी की ईएमएफ ज़्यादा होगी। इसने ईएमएफ फाइंड करके नहीं हमें देनी, लेकिन इसने हमें अंदाज़ा ज़रूर दे देना है कि ई वन बैटरी बड़ी है या ई टू बड़ी है। अब इसके यूजेज की बात करें तो इसके कौन कौन से यूजेज हैं पोटेंशियोमीटर के? पहला यूज तो ये है कि टू फाइंड अननोन ईएमएफ, दूसरा यूज है टू कंपेयर द ईएमएफ सोर्स, और तीसरा इसका यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। ये तीन इसके यूजेज जो हैं बेटे, तीसरा भी हमने स्टडी नहीं किया, ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल के अंदर जाके हम स्टडी कर लेंगे, आर्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है।